सेंटर की गाथा पर विचार कर रहे हैं और विचार करते करते कल चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष की चर्चा है। चैतन्य सामान्य यानी दर्शन और चैतन्य विशेष यानी ज्ञान और निज चैतन्य प्रभु में इन दोनों की कितनी सघनता है कि जरा सा भी स्थान नहीं है कि ज्ञान दर्शन अपनी जगह से हट सके। और जब ज्ञान दर्शन को हटने का स्थान नहीं है तो राधा जी को डटने का स्थान कहां से है? शर्त तो यही है ना कि जब ये जीव अपने ज्ञान दर्शन को छोड़े, ज्ञान दर्शन से हटे तो रागा भी डटे। डटे खबर पड़ा, डट के बैठ गए उसके। जब ये आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से हटे तो रागादी में डटे, लेकिन ये आत्मा तो कभी हटने को तैयार ही नहीं होता। और अगर कुछ पर्याय मन में नक्की कर ले कि नहीं नहीं अब हम ज्ञानी दृष्ट ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेंगे तो भी गायक प्रभु कहता है तू भले ही तेरे रूप में स्वतंत्र हो, तेरे कारण मेरा सिस्टम नहीं बदल सकता। ठीक है तू घूमती रह पर में, लेकिन मेरी प्रभुता तो अक्षुण्ण रहेगी। समझ में आया? और यही अनादि से हो रहा है। मोही जीवों की प्रत्येक पर्याय पर में राग देशमयी होकर प्रवर्तन कर रही है और ज्ञानी कह रहे कि भाई वो पर्याय होगी, वो मैं नहीं। समझे कि नहीं समझे? वो पर्याय होगी, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो चैतन्य प्रभु हूं जो अपने में ही जमा हुआ रहता हूं, बाहर में जाते ही नहीं हूं, पर को पाते ही नहीं हूं। तो प्रश्न कहां से आए? ये ज्ञान दर्शन स्वभाव की परिपूर्णता है। और जब ये कहा कि तम ही चिदो, उसमें स्थित होता है तद चित्तो तन्मयी होता है, ऐसा मैं हूं ऐसा निर्णय करता है। सवे दे खयम नेमी, तब ये सारे रागादि भाव क्षय को प्राप्त हो जाते। ये मूल जो 73वीं गाथा की जो अपनी चल रही है ना बेस, ये रागादि भाव कैसे अभाव को प्राप्त होते हैं, बराबर ना? तो ये यहाँ पे एक और वस्तु यहाँ पर आई थी कि मैं ज्ञान आकाश आदि के भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। कैसी वस्तु हूँ मैं? आकाश आदि की भांति पारमार्थिक। ओहो, कल भी मैंने इस पर पॉइंट आउट किया, इससे बड़ी उपमा आज तक किसी को नहीं दी गई। आत्म स्वभाव का ऐसा महिमा मंडन जैसा इसमें है वैसा कहीं नहीं हो पाए। आज सारी जगह विवाद चल रहे, ज्ञान वापी पहले हिंदू की थी फिर मुसलमानों की हुई फिर से हिंदू की कर दे, ताजमहल में विवाद चल रहा, इसमें विवाद चल रहा, उसमें विवाद चल रहा। ओहो, एक एक इमारत पर रूप थी और दूसरे पर रूप हो जाएगी, लेकिन ये जो चैतन्य की इमारत है ये आकाश की भांति है। जैसे आकाश आज तक कभी किस रूप हुआ बताओ? आकाश के टुकड़े को किसी ने अपना कहा, लेकिन आकाश ने कभी उसे अपना माना नहीं, होता ही नहीं होता। हमने गवर्नमेंट से अप्रूव करा लिया, बोले साहब जूही फ्लैट 504 मेल,
परंतु आपने एक आकाश के टुकड़े को अपना नाम करा दिया। आकाश भी क्या उसको आपका मानने को तैयार है? है कल के दिन उसे मिटा के कोई दूसरा आएगा तो आकाश कहेगा क्या, ए भाई साहब ये तो पंडित जी की प्रॉपर्टी, तुम क्यों आ गए? मतलब क्या हुआ कि पंडित जी भले उसे अपना मान ले लेकिन आकाश से अपना मानने को तैयार नहीं। तुमने एक छोटी जमीन को अपना मान लिया, किसी ने अपने राजपाट को अपना मान लिया, किसी ने छखंड के बेहो को अपना मान लिया, आकाश के टुकड़े पर किसने किसने अपनत्व किया? पर बोलो आकाश ने किससे अपनत्व किया? सर्वव्यापी क्षेत्र, तुम दूर दूर देखते हो ये मेरा ये मेरा ये मेरा, गांव में जाते हो खेत के बीच में खड़े होकर कहते हो देखो देखो यहाँ से 10 एकड़ की जमीन मेरी, यहाँ से 20 बीघा जमीन मेरी, है और मर के उसी जमीन में दफन हो जाते, वो किसको अपना मान? 2-4 भूमि के टुकड़े माथे ऊपर ले ले अपने आप को राजा समझने लगता है। कितने राजा के बाजा बज गए हैं हाथ में, विचार करके देखो। इसीलिए भाई आकाश के टुकड़े को कोई एक अपना मान ले लेकिन आकाश उसे किसी को अपना मानता नहीं। ऐसे ही मैं चैतन्य पारमार्थिक वस्तु, मैं अपनी पर्याय में किसी को अपना मानने के लिए तैयार हो जाऊं लेकिन द्रव्य स्वभाव कहता है तू भले ही मानता रहे लेकिन ना तो मैं किसी का हुआ ना कोई मेरा हुआ, ये सब तेरे मानने का जोर। जैसे आकाश अनादि का था, अचू था, सर्वव्यापी, किसी रूप नहीं हुआ, सर्व जगह रहा, ऐसे ही मैं हूं अनादि का हूं, अपने ज्ञान में सर्वव्यापी हूं, सबको जानता हूं लेकिन किसी भी रूप में होता नहीं। पारमार्थिक वस्तु हूं, कैसी वस्तु हूं? पारमार्थिक वस्तु। आकाश का व्यवहारिक स्वरूप ही आपने देखा अभी तक, ये जमीन, ये आकाश, ये पानी, नहीं मैं पारमार्थिक मतलब से जो हूं बस वैसा, व्यवहारिक रूप नहीं। 4 गति 84 लाख योनियां ये मेरी व्यवहारिक सत्ता को बताती हैं मैं ऐसा नहीं हूं। स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध मेरी व्यवहारिक सत्ता को दिखाते हैं मैं ऐसा नहीं हूं। क्रोधादि भाव, रागादि भाव, ये सब मेरी व्यवहारिक सत्ता को बताते हैं मैं ऐसा। आभासी जीवन छोड़ो, यथार्थ को ग्रहण करो, देखो यथार्थ के धरातल पर जैसा व्यापक महिमाशाली आकाश है प्रभु तो उससे कम नहीं। देखो जरा उसको, जैसे आकाश सर्वव्यापी लेकिन सबसे अछूता है, ऐसे ही मैं ज्ञान में सर्वव्यापी हूँ लेकिन किसी को भी छूता। देखो जैसे आकाश को कोई खंड खंड कर करके देखता है उससे आकाश में रत्ती मात्र फेर नहीं पड़ता, वैसे कोई मुझे खंड खंड करके देखे जाने उससे मेरी प्रभुता में रत्ती मात्र फेर नहीं पड़ता। जैसे आकाश की अनंतता के कारण ओहो हमें ऐसा लगता है कि बस ये रहा आकाश, अभी चले जाएंगे अभी चले, लेकिन अनंत किलोमीटर तक जाते जाओ तो भी वो अनंत ही दूर रहता है। ऐसे अपने अनंत गुणों का मान है, अनंत 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 गुणों को जानते जाओगे तो भी अनंत ज्ञान के पहले इस आत्मा की प्रभुता को नहीं जानता। मत में आया, ऐसी प्रभुता मेरी है, ऐसी प्रभुता मेरी, ऐसी पूर्णता मेरी, ऐसा स्वभाव मेरा। कल भी कहा था पुनः कह रहा हूं, इससे श्रेष्ठ उपमा 3 लोक की सर्वव्यापी वस्तुओं के जैसा मैं हूं। विचार कर,
किसी की पुरानी साइकिल को कोई बीएमडब्ल्यू के जैसा बोले, अरे तुम्हारी साइकिल तो बीएमडब्ल्यू जैसी, कैसा लगे है बोले। किसी के छोटे से घर को कोई व्हाइट हाउस जैसा बोले है, आश्चर्य लगे। यहाँ कह रहे कि भाई तू तेरे छोटे घर को व्हाइट हाउस नहीं बोल रहे, तू व्हाइट हाउस है, सीधी व्हाइट हाउस है, डबल डबल निर्मल दुर्गल पवित्र पा। दुर्गति हमने हमारी की है, प्रभुता ने तो हमें उद्धार किया है, पार निकाला है प्रभुता ने। ऐसी प्रभुता का स्मरण करो, समय सार की पंक्ति पंक्ति प्रभुता को बताने वाली, समझ में आया। देखो अब क्या कहते हैं, अहियाँ होगी ना आकाश की द्रविणी जम 38 पाना ऊपर 138। पारमार्थिक वस्तु विशेष छू, अबे अटलो नक्की करो, अबे तू कहे थे तेजी, मतलब अब निर्णय ले रहा है, इस कारण से हवे हूँ समस्त परद्रविणी पर द्रव्य प्रवृत्ति थी निवृत्ति बड़े, आज आत्म स्वभाव मां निश्चल रहतो थको। ओहो क्या शब्द बोला, पूरा पढ़ लेते फिर आप। निश्चल रहतो थको समस्त पर द्रव्य ना निमित्त थी विशेष रूप चेतन मां थका, जे चंचल कल्लो लो तेमना निरोध बड़े, आने ज एटले आ चैतन्य स्वरूप ने ज अनुभवतो थको, पोताना अज्ञान वडे आत्मा मा उत्पन्न थता, जे आ क्रोधादि भावो ते सर्वने क्षय करूं छूं। ओ अष्ट कर्म विध्वंस नाये धूपम निरूपामि, आ पूजन भी इसकी स्वीकृति में कर्म के अभाव की स्वीकृति है, चैतन्य स्वरूप की स्वीकृति ना हो तो किस बल से कर्म के नाश का उपाय हो सकता है, नहीं समझ पाए जी है? कर्म के ही दल को लेकर आ गए और बोला कि ये दूसरा दल आएगा कर्मों का, वो पहले दल को भगा देगा है? बोलो, कर्म का दल एक अशुभ भाव, दूसरा कर्म का दल शुभ भाव, तो दोनों ही कर्म के दल हैं, कर्म की सेना है। अब ये दो दल मिलेंगे तो और दल दल नहीं होगा, दल दल समझते हैं हिंदी में क्या होगा, बोल तो निकालो, जिसमें जीव डूबता जाता है डूबता है। लोगों को लगा कि एक दल को हटाकर दूसरा दल ले आए और वो दूसरा दल हमें क्या कर देगा, पहले दल से मुक्ति दिला देगा। भाई दोनों दल हैं मतलब डबल दल, और डबल दल मतलब दल 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 होता है, दल दल में और डूबता जा। समझ में आया कि यहाँ कह रहे हैं कर्म के दल को हटाने के लिए चैतन्य स्वभाव का बल लाओ, समझे क्या बोला, कर्म के दल को हटाने के लिए चैतन्य स्वभाव का बल लाओ, उस बल के बिना इस दल का बल क्षीण नहीं होगा। स्वभाव के बल के बिना कर्म के बंधन ढीले नहीं पड़ेंगे, इसलिए कह रहे हैं देखो तेथी एटले हवे हूँ आ आत्म स्वरूप में निर्णय करो, पर द्रव्य की निवृत्ति बढ़े, जो पर द्रव्य से निवृत्ति। पहले नंबर एक बहुत सीधी सरल सी बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आत्म प्रवृत्ति की प्राथमिक शर्त पर से निवृत्ति है। सबसे पहले तो मन वचन काया की बात में कह रहा हूं, आप अगर ऐसा समझ लो कि वही सांसारिक कार्य वही बकवास
भाई राग द्वेष का चिंतन चलता है बराबर, और आत्म स्वरूप में अचानक ही कोई लिप्त कर दे हमें, गुरुदेव जी फरमाते थे इस बात को, भाई आखो दिवस न बैरी ने छोकरा हाथों में पड़े हो इनके स्वाध्याय करतो नहीं, भेद के अंत करतो नहीं, अंतर में उतरतो नहीं, क्या थी समझ को सुना रमत से कि शू है आगे इतने थोड़ी था। पूरी निवृत्ति सब चीजों से, और मन वचन काय की निवृत्ति की बात आ गई तो मोबाइल फेसबुक और इंस्टा की तो हो ही गई, उसको तो पहले ही एरोप्लेन मोड पर करके रख दो, टीवी बंद कर दो, विचार हो जरा ये सब चीजें थोड़ी जरूरी। आप 10% बाहर में प्रवर्तन करते रहोगे एक्चुअली रूप में, फिजिकली रूप में या वर्चुअली रूप में, मानसिक रूप में, तो कहां स्कोप रहेगा? अनंत अनंत वो हर चीज की रील चलती है, आप स्टेटस चालू कर दीजिए स्टेटसों की नहीं रह जाएगी, वो एक के बाद वो हर चीज में इतना कि देखते देखते कब आपको निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। विचार करो, दो पेज पढ़ सकते थे आप सारणी के, दो बातें विचार करते थे आप, उसकी बजाय कहाँ टाइम निकल जाता है पता नहीं। सबको एक अनिवार्य रूप से पर की निवृत्ति के उपाय करने चाहिए, और पर की निवृत्ति के लिए चीजें खास हैं कौन सी, मन वचन काया को थोड़ी शांति दो, बाहरी गैजेट और इनसे थोड़े अपने आप को हटाओ, टीवी के बिना, मोबाइल के बिना, बराबर व्यर्थ की बातों के बिना, व्यर्थ की क्रियाओं के बिना और व्यर्थ के विचारों के बिना भी जीवन जिया जाता है। अरे सच्चा जीवन इनके बिना ही आता है, समझो बात में। मतलब कई बार मैं इसका बड़ा विचार करता हूं और ये बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, मुझे बच्चों को भी कभी सिखाना हो ना कि ये मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दिया तो कभी कहते वो फोटो देखने के बहाने मोबाइल देखते, कभी वो होमवर्क देखने के बहाने मोबाइल देखते, कभी ये प्रवचन की ये चीज याद करने इसके लिए मोबाइल देख लेता, मतलब वाया वाया कोई भी चीज से वो मोबाइल पकड़ ही लेता, बच्चे सीखे कहां से मुझे कहां से सीखे, समझ में आया? इसीलिए बहुत जरूरी है जब भी मैं परद्रव्य की निवृत्ति, अगर आज के समय में अगर किसी को भी साधना के मार्ग पे लेके जाना है तो पहले नंबर मोबाइल मैनेजमेंट का लेसन बढ़ाना पड़ेगा, कि जब तक ये महाभूत साथ में चलेगा तो मोह का भूत तो डटा रहेगा। बहुत गहराई से मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको बहुत समझ लीजिएगा, पर्टिकुलर बहुत अपने आप को दृढ़ रखकर इसको दूर रखो। नहीं हम तो स्वाध्याय के लिए यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको स्वाध्याय के लिए तभी यूज करना जब एक्चुअल स्वाध्याय के साधन आपके पास ना हो। अब आप इसमें समय सार पढ़ो, इसमें मजा नहीं, समय सार ग्रंथ है तो उससे पढ़ो, क्योंकि इस समय सार को पढ़ोगे ना तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसमें से समय सार पढ़ोगे तो पूजन भी साफ कर रहे हैं मोबाइल रखकर, अब मोबाइल रखते रखते पूजन कर रहे हैं, यहाँ मोह भाव के अभाव की बात चल रही है, वहां किसी का मैसेज आ गया कि पेमेंट आ गया या पेमेंट देना है तो मोह भाव बढ़ गया, मतलब बहुत ही एक चीज होती है ना कि हर चीज का पाप आता है, परिपाक होता है भावनाओं का, ऐसा ही भावनाएं जैसे होता है ना दूध को जब आप कंटिन्यूस ताप पर उबालते हो तब उसका वो पानी पना चला जाता है और उसका मावा पना आ जाता है, वो ही प्रोसेस आप आधे घंटे दूध को उबाल के कर सकते हो, लेकिन दो दो मिनट उबाल कर आप उसे 10 दिन में भी नहीं कर सकते, फिर दो मिनट उबालो फिर बंद कर दो, दो मिनट उबालो फिर बंद कर दो, दो मिनट उबालो फिर बंद कर दो। जो दूध आधे घंटे में दूध से मावा बन गया उसका पूरा पानी उड़ गया, किसके कारण? एक सतत
रहा तो उसका पाप आया, बराबर। वर्चुअल जगत में ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही आपको। मैं एक बहुत गहरी बात पर आपकी तरफ समझते हो, बात पर याद दिलाना चाहता हूँ। मैं आपके ज्यादा उस दिन बात की कि पहले तो लोगों को पकड़ना आसान था। कैसा पकड़ना, मतलब समझ रहे ना, कि किसी को टोकते थे भैया साथ जाने क्यों नहीं आ रहा है, तो वो अपनी गलती मान लेता। अब तो उनके पास बहुत बढ़िया साधन के था, अरे पंडित जी हम तो घर पे कर लेते, अब पकड़ में नहीं आते ना। और मुझे 100% भरोसा है कि नहीं करता, लेकिन कानून सबूत मानता है। बोध को सबूत की जरूरत नहीं होती, बराबर। बोध तो स्वयं होता है, लेकिन अब क्या कहें उससे, जो खुद अपनी भूल को स्वीकारने के लिए तैयार ना, उसका लक्ष्य केवल इतना होता है कि जैसे तैसे करके प्रश्न का जवाब दे दो, बराबर। और पंडित जी अब थोड़ी कोई घर में घुस के कौन देख रहा है, और घर में भी घुस जाओ तो तुम मोबाइल में थोड़ी घुस रहे हो, और मोबाइल में भी घुस जाओ तो पैरेलल एप्लीकेशन कौन सी चल रही है कौन देख रहा है, और फोन भी चल रहा हो तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कौन देख रहा है। आप समझ रहे हैं? तो पहले व्यक्ति को अपन कह देते तो वो तुरंत गिल्टी फील करके बोले हाँ हाँ ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे। अब तो छटकबारी तैयार है, अरे हम ये सुन लेते हैं यहाँ का सुन लेते वहां का, लेकिन सब कैसा सुनते हो भाई, सब ईमानदारी से जो पाप आना चाहिए एक धारावाहिक वातावरण का, जो विशुद्धता का ज्वार आता है और जिस ज्वार में मोह को हिलाने की ताकत है, वो आपके वर्चुअल जगत में पॉसिबल हो पाता है। दो दस काम साथ में चल रहे हैं, दस जगह उपयोग जा रहा है, बराबर। कहीं किसी का फोन आ रहा, कहीं किसी की घंटी बज रही, कहीं आप ही का मन घर में लगा हुआ है। घर ग्रह ग्रह नहीं है, ग्रह है ग्रह, समझो। ग्रह क्या होता है, जो पकड़ ले। ग्रह ग्रह क्या कहलाता है, ग्रहदी भी ग्रह, जो ग्रह ग्रह लेता है आप। ये हम लोगों के घर ऐसे ही ग्रह होते हैं। मंदिर में बैठे होंगे आपको चिंता नहीं होगी, घर में बैठेंगे माता है अरे अगर तो सही ऊपर प्रवचन तो चाहे हम लोग तो कर बचे, अंदर नहीं गंदे की ख्याल में नहीं आ रही, बाहर नहीं देख रही, आ रहा कि नहीं आ रहा ख्याल। इसीलिए एक सेफ रास्ता बहुत जरूरी है। सब लोगों को कंपल्सरी में कहना चाह रहा हूँ, स्वाध्याय करें जरूर करें, लेकिन वर्चुअल बुक का आग्रह तभी रखें जब आपके पास में ना हो। ये एक पवित्र पद्धति है, इट हैज टू बी कंटिन्यू। या फिर अगर आपको वर्चुअल बुक का ही आपको आग्रह है तो एक अलग टैबलेट लें, उस टैबलेट में केवल बुक स्टोर करके रख दें, उसमें सिम नहीं डालें। अगर आप कहते हो ऐसा, बहुत सारे लोग तर्क कर सकते हैं कि वो रात को लाइट जलानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ट्रेवलिंग में इतना कैरी करना, ठीक है मैं समझता हूँ बात। अगर आपको ऐसा करना है तो, अगर आपको ऐसा करना है तो क्या करें, छोटे मोबाइल में नहीं पड़े, अपनी चक्षु इंद्री पर करुणा बताएं, एक 10 इंच का टैबलेट लें, बराबर। हम दुनिया भर के उपकरण ले सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, 10 इंच से कम का भी ना लें, 12 इंच का भी आता है, और जितना भी लें उसको डेडिकेटेड फॉर जिनवाणी, उसमें सिम नहीं डालें, समझे, उसमें सिम नहीं डालें। उसको क्या करें, सारा का सारा जो भी आपको पढ़ना है, और आजकल मिलते भी हैं बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और कंफर्टेबल है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आप करें। तो ऐसी चीज से पढ़ोगे तो जो हम चाहते हैं, कौन सा, एक रूपता, तो एक रूपता, ये सर्व जो कहते हैं भेड़ सेड़ बन गया ये अपना मोबाइल, ये इसको बंद करो, इससे नहीं होता, इससे पाप नहीं आएगा। थोड़ी देर यहाँ मन, थोड़ी देर वहां मन, ये सब गड़बड़ी होगी, बराबर। तो पर द्रव्य के साथ निवृत्ति की जब भी बात करो तो सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना,
सबसे पहले क्या करना कि आपको कुछ कुछ संयोगों से निवृत्ति प्लस फिर मन वचन काय से निवृत्ति फिर अंदर के विकारी भावों से निवृत्ति ऐसी निवृत्ति क्रम से निवृत्ति के अनुकूल परिस्थिति बनाना। क्या समझे? निवृत्ति के अनुकूल परिस्थिति बनाना। अगर शांति से स्वाध्याय कर सकते हो तो फिर दुकान पर बैठ के मत, अनुकूल। हाँ, जब नहीं टाइम मिला तो वहां पे भी करो, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि दो काम साथ में करने का भाव नहीं है। एक काम करो, पाप आएगा। जो व्यक्ति ऐसे संतोष के लिए स्वाध्याय कर रहे बराबर नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, वो 5-7 साल के बाद में अपना मूल्यांकन करना कि जहां से तुमने वो वर्चुअल चालू किया था 5-7 साल बाद वही दिखाई दोगे। ना ज्ञान में बढ़ेगा, ना आचरण में बढ़ेगा, ना विशुद्धता में बढ़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? संतोष केवल नाम का हुआ, उससे काम नहीं हुआ बराबर। और दूसरे को ठगने का भी प्राय तो बिल्कुल रखने ही मत कि कोई बोले और उसको बोल देंगे हम तो बहुत करते हैं। खुद ही ठगे जाओगे। कोई किसी को ठगता नहीं, कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता, जीव स्वयं स्वयं को मूर्ख बनाता। पॉइंट समझ में है? कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता प्रभु, जीव जीव को मूर्ख बनाता है और इस मूर्खता का फल निगोद निरोप नरक निगोद में पाता है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात है। तो पर द्रव्यति निवृत्ति बढ़े, तो बहुत विचार करता हूं। पहले कहते लोग 18-18 दिन की निवृत्ति लेके सोनगढ़ चले जाते, जितने भी लोग कन्वर्ट हुए ऐसे रमत रमत में नहीं हुए। कैसी निवृत्ति लेते थे? आज आप 2 दिन से ज्यादा शिविर नहीं कर पाते, 3 दिन से ज्यादा शिविर नहीं कर पाते। वहां पहले लोग कैसे जाते थे निवृत्ति ले लेकर? 18-18 दिन तक दुकान बंद है। हाँ कि भाई वहां से पूरा कर लो, तो बस दृढ़ता को सल्यूट करना चाहिए उन लोगों को और अपनी पामरता पर अपने को तरस आना चाहिए। हमारे बुंदेलखंड से लोग सोनगढ़ जाते थे, पता 3-3 दिन में सोनगढ़ पहुंचते, 3 दिन में सोनगढ़ पहुंचते, 3 दिन जाने के, अभी तो आप अमेरिका पहुंचो, 3-3 दिन लगते थे और 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के और वहां तो फिर 15-15-20-20 दिन तक रह के स्वाध्याय करते थे। निवृत्ति का ऐसी निवृत्ति होती। अभी तो शिविरों में कि जाओ तो भी वो जैसे कभी अपन जाओ ना तो वो बीच में 2 व्याख्यान के बीच में टाइम मिलता है ना तो सब फोन पे लगे हुए। अभी चेतन नाम में भी गया था शिविर में, जैसे 1 व्याख्यान का दूसरा व्याख्यान आए ना तो बीच में फोन किसके लिए? बैकलॉग क्लियर करने। तो इतनी देर में सब मीटिंग भी हो जाती, प्रवचन का क्या है वो याद नहीं रहा, उसकी चर्चा नहीं हुई और सब बीच के फोन ने सब सत्यानाश कर दिया। अब गजब ये है, जरूरी है सब जरूरी, ठीक है तुम्हें सब जरूरी लगता है तो आत्मकल्याण कब जरूरी लगेगा? सब जगह होना जरूरी लगता है, अपने में होना कब जरूरी लगेगा? सब काम करना जरूरी लगता है, चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना कब जरूरी लगेगा? बोले तो प्रश्न है मूलभूत, निवृत्ति के बिना स्वरूप में त्रुटि कैसी? इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनाओ। कैसी परिस्थिति? मतलब आपको ही अपनी सीमा रेखा निश्चित करनी पड़ेगी और कोई नहीं कर पाएगा कि देखो संसार की प्रवृत्ति अभी मेरी छूटी नहीं, ये बात तय है अभी तो, लेकिन अब इसमें से कितना निवृत्त मैं होऊंगा इसके धाराधोरण में नक्की करूं बराबर।
आत्म कल्याण के लिए मैं 4 घंटे की निवृत्ति लेता हूं, बराबर स्वाध्याय करने के लिए 1 घंटे की निवृत्ति लेता हूं। मैं कहता हूं वास्तव में एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं, सामायिक की परंपरा को पुनर्जीवित करो। क्या बोला, क्या बोला? बहुत स्पष्टता के साथ में बात कह रहा हूं, सामायिक की परंपरा को पुनर्जीवित करो। भले ही वो जो अपने मित्र जितने भी करते हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन उनकी एक बात पक्की रहती है कि वो कमिटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं कि इस टाइम मुझे करना है। और युगानुयुग कहो कि उन परिस्थिति में सब लोग भी उनको कॉपरेट करने लग जाते हैं, क्योंकि सबको पता है जो ये सामायिक लेके बैठे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो दोनों तरफ की बॉन्डिंग हो जाती है, अपनी तरफ से बन जाते हैं और सामने वाले भी क्या हो जाते हैं, भाई अभी वो क्या कर रहे हैं सामायिक, कर सकते कि नहीं कर सकते, करो अपनी तरफ का कमेंट भाई ये दे दो। थोड़े धीरे धीरे लोग आपको समझ जाएंगे इस टाइम के स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं करते, जो होगा वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा उसके साथ। जैसे अपन कहते ना मीटिंग में होते ना, अभी बात नहीं मीटिंग में है तो हम कह नहीं सकते अभी नहीं करेंगे बात, सामायिक में बात नहीं करेंगे, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। नहीं तो वो एक जैसे कहते हैं कि भोजन में आप किसी के यहाँ जाओ और खा लो खा लो, नहीं खाते नहीं खाते, अरे थोड़ा सा, अरे थोड़ा, तो यहाँ से भी आग्रह चलता है, तुम भी ढीले पीले होते रहते हो। आप एक शब्द बोलो भी मेरा संकल्प मेरी बात है, तो आप भी दृढ़ हो, यहाँ से भी प्रेशर खत्म हो जाएगा और आपका भी जो डबल माइंड है लू की नहीं लू, लू की नहीं लू, लू की नहीं लू, वो खत्म। समझ में आया कि ऐसी व्यवस्था बन सकती कि नहीं बन सकती? सकती है कि सकाओगे। कंपल्सरी बोला, मैं तो सच बताऊंगा अगर मेरा बस चले तो पढ़ दिया आपको हर अंतर्मूल बन आपके टाइम के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि आप वो शास्त्रीय 3 टाइम करो वो करो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन आपके टाइम के अनुसार भी जो लोग निवृत्त हैं अथवा निवृत्ति इच्छते हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी, कंपलसरी ये सामायिक की परंपरा पुनर्जीवित करो। और इसमें क्या बात करना है, डबल कमिटमेंट, डबल कमिटमेंट समझे ना, आप अपनी तरफ से कमिटेड हो कि मैं निवृत्त तो होऊंगा और आपके अनुकूल आजू बाजू वाले लोगों को भी पता है कि निवृत्ति ले चुके, आपको बाहर जाने का मन नहीं होगा और उनको डिस्टर्ब करने का मन नहीं है। अब हाथ उठाना थोड़ा बेईमानी सा लगता है, लेकिन आप विचार करना, मैंने जो सुझाव दिया बहुत आवश्यक है। और उसमें मैं वो रिजिस्टर नहीं कहा कि लाइट पंखा बंद कर दो, वो पंखा करो तो अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय के साधन के रूप में प्रकाश उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको जरूर दूर कर देना, जो महाभूत बैठे हैं इनको दूर कर देना, क्योंकि जब तक ये हैं तब तक दुनिया मुट्ठी में है, आप अपनी पकड़ में नहीं हो बस है, आप अपनी मुट्ठी से बाहर हो, बाकी पूरी दुनिया मुट्ठी में, तो वो दुनिया को दुनिया में छोड़ दो और आप अपने में लेकर, ठीक है, है? पक्का? अगर मन हो रहा है तो आज नियम ले लें, अगर आज लग रहा है उपयोगिता इसकी तो आज संकल्प ले लेना और बता देना घर पे जाके कि आज से मैं ऐसा करूंगा। पॉइंट समझ में आया, डबल कमिटमेंट वाली बात कर रहा हूं, क्या है, सबसे पहले अपनी स्थिरता के लिए और दूसरा बाहर आपको स्थिर रहे इसके, समझे? तो अभी भी दुविधा नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अरे भाई कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई पहाड़ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा भैया, अगर मुनियों के पास जाओगे तो क्या करोगे? अगर आपको आपका अभ्यास नहीं होगा तो मुनि राज तो उपदेश कम ही देते हैं, दुनिया भर की बातें करते नहीं है, तो आप क्या समझे मुनियों के पास जाओगे तो दिन भर अपना काम छोड़ के तो सुनाते रहेंगे,
बैठो तुम्हें समय सार पड़ा, अरे बैठो द्रव संग्रह पड़ा रहे, अरे बैठो, अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो, ऐसे कहेंगे। पूरे दिन भर साथ में रहोगे तो 10 वाक्य सुनने को मिलेंगे, बाकी टाइम क्या करो, वहां भी मोबाइल में छेड़ोगे क्या? मुनि बनना है, मुनियों का साथ लेना है, तो निवृत्ति का अभ्यास। आप समझे कि नहीं समझे? है ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, लेकिन पूरी व्यवस्था बदलने की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं उसे छिन्न भिन्न होता देख रहा हूँ मुझे सहन नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि घरों में हमने ऐसी व्यवस्था करके देखी कि सबके लिए अवसर है मगर अपने लिए अवसर नहीं, धिक्कार है। हाँ है ना, चलो एक एक बात ख्याल में ही ना, मालूम बात हुई है, बात तो तुम्हारी बद्दी साची छे पण अगर हूँ समस्त पर द्रव्य की निवृत्ति बढ़े आर्य आत्म स्वभाव में, जो निवृत्ति नो जोर आ गयो ना तो केम देख क्यों दिखायो आर्य आत्म स्वभाव आ रहे हो जो आत्म स्वभाव, ये आत्म स्वभाव में निश्चल रह तो थको निश्चल कि एकदम अचल रही है दृढ़ रही है चलाए मान पढ़ाने त्याग करी ने पानी जब निश्चल होता है चलाए मान नहीं होता जैसा अपना स्वरूप देखता है और उसी पानी में तरंगे आती जाए काली मां डाल दो तो कैसा स्वरूप दिखेगा? निश्चलता अपने को प्रतिबिंबित करने की अनिवार्यता, अगर आप अपने को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं तो निश्चल हो जाओ। समझा? अगर निश्चलता आपको प्रिय नहीं हुई तो अपने आप को आप प्रतिबिंबित नहीं कर पाओगे। पानी का सहज स्वभाव है आपको दिखाने का और आपका सहज स्वभाव है उसमें दिखने का, दोनों का कुदरती बॉन्डिंग है, कुदरती बॉन्डिंग, पानी रिफ्लेक्ट करता है और चेहरा उसमें रिफ्लेक्ट होता, कुदरती बॉन्डिंग है, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ऐसी आत्मा और ज्ञान की भी कुदरती बॉन्डिंग है कि ज्ञान स्थिर होता है तो ज्ञायक उसमें दिखता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ये नेचुरल बॉन्डिंग। ज्ञान स्थिर होगा तो ज्ञायक प्रभु दिखेगा, ज्ञान अस्थिर होगा तो ज्ञायक प्रभु कैसे दिखेगा? और हम लोग तो हैं जिन्हें अपने आप को चलायमान करे बिना सहने ही पड़ता, मिश्रण रह तो सको समस्त परद्रव्यना निमित्त थी विशेष रूप चेतन मां थता। जो अब जैसे पानी कुदरती रूप से कैसा रहता है श्याम, लेकिन अगर जो उसमें मोजे आई तरंगे आई तो खुद से आई है कि पर से आई है? कंपल, पवन का जोर, कंकर पत्थर का जोर, जलीय जंतुओं की उठा पटक उछल कूद, उससे तरंगे आती है। कुदरती रूप से पानी का स्वभाव कैसा? ऐसे कुदरती रूप से आत्मा का स्वभाव कैसा? स्थिर, लेकिन कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी काम, कभी क्रोध, कभी पर पदार्थ, कभी पर की दृष्टि, कभी पर का आकर्षण, ये सब चीजें क्या करती हैं? उस स्थिर ज्ञान के अंदर तरंग उत्पन्न, और जैसे जल तरंगित तो हुआ तो दिखना छूट गया अपना स्वभाव चेहरा, ऐसे ज्ञान में तरंग पने आई चाहे पर के निमित्त से आई हो लेकिन उससे क्या भूल हो गई?
ज्ञायक प्रभु दिखना छूट गया। एनो निरोध बड़े आज चैतन्य रूप नो अनुभव तो थको आहो ऐसा मैं सर्व अवस्थाओं में संयोग का जोर नहीं, स्वभाव का जोर, विभाव की दृष्टि नहीं, स्वभाव की दृष्टि, पर्यायों का राग नहीं, प्रभुता का मान, ऐसा मैं ये अंदर में हुंकार आता है ऐसा अंदर में ओ हो ऐसा मैं यानी कि एक एक बात सुने तो अंदर में ऐसा हुंकार आ गया, ऐसा हाँ अनुभव तो अज्ञान बड़े जो आत्मा में उत्पन्न अनुभव तो था तो पोता ना अज्ञान बड़े आत्मा में उत्पन्न थता जे आ क्रोधादी भाव से जो आ आत्मा अने आ क्रोधादी भाव बन्ने देखाई रहा है आ आत्मा अने आ क्रोधादी भाव बन्ने माटे आ शब्द वपरायो छे एक ज्ञानी दृष्टि कि ज्ञानी को दोनों दिख रहे अज्ञानी को क्रोधादी दिखता है आत्मा दिखते ही तो किसका किसके अभाव करे समझे कि नहीं खेती होती ना खेती तो खेती करते समय में एक होती है दशा फल के पकने जिस पकना चालू होते तो किसान लोग क्या करते आजू बाजू की घास निकालते और छोड़ को रहने देते क्यों क्योंकि जो पोषक तत्व तो मिट्टी के हैं वो घास खा जाएगी तो पौधा क्या रहेगा फसल कैसी रहेगी कमजोर रहेगा अब उसे पता तो होना चाहिए कि आ छोड़ अने आ घास वो करके करने जाए मेहनत पूरी करे लेकिन घास को रहने दे और बीज वाले पौधे को निकाल दे जमीन से तो क्या हो गया सत्य ना यानी पता चलता है ना कि आ छोड़ छे अने आ खरपतवार घास छे घास ने काढ़ू छे क्योंकि हमारे गायक भाव ने खाई जाए पता तो चलना चाहिए अज्ञानी को तो पता ही नहीं होता गाय हो ना गाय उसे सब एक सा लगता है घास भी खा ले पौधा भी खा ले ऐसे अज्ञानी जीव है उसे सब एक सा लगता है क्रोध भी मैं हूँ ज्ञान भी मैं हूँ और सबको खाया जा रहा है ना हाथी का दृष्टांत ये बात यहाँ पे ऐसा यहाँ पे सर्व ने क्षय करूं छू आ क्रोधादि भाव ने क्षय करूं छू असली लाइन आई हवे आपनी सामे लाग्या छे अमुक लोको सोनगढ़ गया हशे एमने खबर हशे अने जे नहीं गया हो एमने खबर ना हाँ जरा लईने आओ बोलता समय सा रमणा पब्लिश थयो छे ए बतावानो भाव छे।